नमस्कार जी, मैं हेमंत भारद्वाज। आज हम बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि जो कि 21 फरवरी 2020 को पड़ रही है, इसका क्या महत्व है। क्या ऐसे उपाय करें जिनसे आपके जीवन में जो भी परेशानी या कष्ट जो चल रहे हैं वो दूर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बताता हूँ कि इस महाशिवरात्रि को जो सबसे बड़ा योग सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, वो बहुत लंबा बन रहा है। 21 फरवरी सुबह 9:14 से लेकर जो है 22 फरवरी सुबह 6:57 तक यह योग है। यह योग बहुत ही उत्तम है और इस योग के दौरान जो भी लोग इसमें पूजा करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, उनको उत्तम फल मिलता है इस महाशिवरात्रि के दिन जो है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे बड़ी चीज ये जानकर चलिए कि इस दिन अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक कीजिए और धतूरा, आकड़ा, बेलपत्र ये चढ़ाइए, इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा जीवन में। साथ में जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उनको एक दिन पहले से ही एक समय का भोजन करना चाहिए जिससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। जो लोग जप करते हैं इस दिन जो है उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन जो जप किया जाता है वो महामृत्युंजय का किया जाता है, सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। और इस दिन जो है आपको श्रेष्ठ फल भी मिलता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप की कुंडली के अंदर कालसर्प दोष बना हुआ है, चाहे वो किसी भी घर में बना हुआ हो, 1 भाव से लेके 12 भाव तक जो है, तो उसके लिए क्या आप खास उपाय करें। सो इसके लिए आपको सब छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा कि आप पंचामृत बनाएं, एक पान का पत्ता लीजिए और नाग नागिन का जोड़ा ले, चाहे वो चांदी का हो चाहे तांबे का हो, और शिव मंदिर में जाएं। प्रातः ही जो है शिव मंदिर में जाके आप जो है पंचामृत से कम 251 बार जो है अभिषेक कीजिए। पान के पत्ते से लेके उसमें पंचामृत लीजिए और अभिषेक कीजिए, तो 251 बार कम से कम ये काम कीजिए। ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए अभिषेक कीजिए। देन उसके बाद आप जो है नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और शिव जी से क्षमा याचना और प्रार्थना कीजिए कि जीवन में काल सर्प दोष जैसी चीजों से छुटकारा दे आपको। तो इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। और जो है बार बार चीजों को लेकर जीवन में जो आप चीज प्रक्रिया चल रही है वो खत्म हो जाएगी और काल सर्प दोष भी खत्म होने लगेगा अपने आप से। नमस्कार।